पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। सभी के वही दो पंजे, दो पंख और एक गर्दन होती है। लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से उड़ता है, जो खुद के कई गुना अधिक वजन के शिकार को भी अपने पंजों पर दबोच कर उड़ जाता है। और इसीलिए उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। और एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है अपनी ट्रेनिंग और अपनी पुनर्जन्म की वजह से। अगर आप भी इस दुनिया में एक ऊंचा मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज को बाज बनने का पूरा सफर आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 25 से 30 की उम्र तक आने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है। लेकिन एक बाज की जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ चींची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजों में दबोचकर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाई में उड़ जाती है। उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है, तेरा जन्म पंछियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज अपने पंजों से उसे छोड़ देती है, और यही से शुरू होती है उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग। वो चूजा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है, थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं, नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है। लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखा है, वो जमीन से कुछ ही ऊपर होता है। ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपने गिरफ्त में लेता है और वापस आसमान में उड़ जाता है। वो पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसके पीछे उड़ रही थी। उसकी ये ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाता। इतनी कठिन ट्रेनिंग होने के बाद इस दुनिया को एक बाज मिलता है। बारिश के वक्त जब सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, तब यही बाज उसी बारिश में आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है, तू बरसने कितना बरसेगा, और फिर नीचे आकर चैलेंज करता है। कभी अगर बनना हो तो बाज की तरह बनना, क्योंकि बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है और बाकी पंछियों का राजा भी होता है। आज मैं 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो हर इंसान को बाज से सीखना चाहिए। नंबर 1, जब आंधी तूफान आते हैं, जब बारिश होती है तो सारे पंछी छिप कर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बड़ा मजा आता है। जब तेज हवाएं चलती है तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेजी से ऊपर की ओर उड़ता है, और ऊपर उड़ते उड़ते वो बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि मुसीबत में मजा ढूंढो। नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है, तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो। नंबर 2, बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है। अपनी पास्ट की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती है, उन्हें वही रहने दो जहां उसकी जगह है और तुम्हारे पास्ट की जगह है। तुम्हारे पास्ट में उसे वर्तमान में जगह मत दो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता। नंबर 3, बाज का विजन बहुत ज्यादा क्लियर और बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है, और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो उसके बाद रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके दम लेता है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और उसे हासिल करने में फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, पीछे मत हटो। नंबर 4, बाज अकेला उड़ता है और बाकी पंछियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेले उड़ेगा पर कभी भी चिड़िया और छोटी पंछियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है, और इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहे। नंबर 5, बाज अपने घोंसले से नर्म घास को हमेशा निकाल देता है, क्योंकि बाज का जो बच्चा होता है उसमें कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वही रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज ऐसा कभी होने नहीं देता। बाज एक पंछी है और उसे भी ये बात पता है कि देयर इज नो ग्रोथ इन कम्फर्ट जोन। लेकिन हम इंसान होने के बावजूद भी कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं कि आप जितना ज्यादा कम्फर्ट जोन में रहोगे, आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी।